अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजा और आप देख रहे हैं SNB बेस्ट स्टोरीज। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कि रमजान से पहले कब्रों से क्या और क्यों आवाजें आती हैं। इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमजान आने वाला है, तो एक बात याद रखना कि अपने मरहूमीन को ना भूलना। एक शख्स कहने लगा कि या अली वो क्यों, तो इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब रमजान करीब आता है तो कब्रिस्तान की कब्रों में एक कोहराम बरपा हो जाता है और हर कब्र वाला चीख चीख के पुकारने लग जाता है कि ऐ दुनिया वालों, मेरी मगफरत के लिए दुआ करो और मेरे पास आकर मेरे लिए दुआ करो। और कहते हैं कि जैसे आज तुम जिंदा हो और अपनी मौत से बेखबर हो, वैसे ही हम भी कभी जिंदा थे और अपनी मौत से बेखबर थे। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, मरहूमीन की आवाजें रमजान से पहले ही क्यों आती हैं? तो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्योंकि अल्लाह का वादा है कि रमजान से पहले और रमजान में जो कोई जिंदा अपने मुर्दों की कब्र पर जाकर उसके लिए दुआ करेगा, अल्लाह उस कब्र वाले मरहूम के गुनाह माफ कर देगा। इसीलिए तो मरे हुए अपनी औलाद और अपने घर वालों को पुकारते हैं कि शायद कोई आ जाए, उनकी मगफिरत का सामान हो जाए।